तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, एनसीईआरटी पेज नंबर 54 और टॉपिक जो है वो 3.7 है। तो पार्चुरेशन बेटा क्या होता है, तो पूरा प्रोसेस इसके अंदर देखेंगे। तो उससे पहले करेंगे व्हाट यू मीन बाय गेस्टेशन पीरियड। तो बेटा ये होता है द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी टू डिलीवरी, ठीक है। तो वुमेन फीमेल से अलग बदलिए 9 मंथ का होता है बेटा, किसी में 7 मंथ भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है और 10 भी हो सकता है। तो मैंने लिखा प्लस माइनस, तो 9 मंथ से ऊपर नीचे भी ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा द टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी टू डिलीवरी दिस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो बेटा गेस्टेशन जब पीरियड जब ये खत्म हो जाता है तो आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर और यूट्रस के अंदर, ठीक है। जब गेस्टेशन पीरियड फिनिश हो जाता है 9 मंथ के बाद तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन हो गया बेटा यूट्रस वाल का, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, इतना लेट्स टू डिलीवरी और इसको बोलते हैं पार्चुरेशन और इसको बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो पार्चुरेशन और डिलीवरी के लिए जो स्टिमुलस है वो कैसे आता है, कहां से आता है? तो स्टिमुलस इंड्यूस्ड बाय यमे ओबिटल सिग्नल है वो कहां से आएगा, तो सिग्नल इंड्यूस्ड बाय और ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली मैच्योर बेबी एंड प्लेसेंटा। जब बेबी खुद मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसका एक वजन होता है, तो उतना वजन अचीव होने के बाद तो बेटा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम पे। तो मैंने कहा सिग्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली मैच्योर बेबी एंड प्लेसेंटा और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि न्यूरो एंडोक्राइन या बेटा नर्वस का भी रोल है, न्यूरॉन्स का भी रोल है और साथ में किसका रोल है, हार्मोन्स का भी। और मेन जो हार्मोन है डिलीवरी हार्मोन या बर्थ हार्मोन वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो क्या होगा बेटा, जब वहां से सिग्नल आएगा प्लेसेंटा से और मैच्योर बेबी से तो उससे क्या स्टार्ट हो जाएगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हल्का हल्का पेन, ठीक है ना, मदर की बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और उस टाइम पे फीमेल को एडमिट, उस टाइम पे मदर को एडमिट भी कर लिया जाता है जब पहली बार पेन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन पेन बोलते हैं, लेबर पेन बोलते हैं बेटा, लेबर पेन, दिस इज कॉल्ड लेबर पेन। हालांकि लेबर पेन बहुत बेटा यहां नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर ये, बट आप यहां पे लिख लीजिए। तो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इट मे लीड टू लेबर पेन। तो उसके बाद क्या होगा, इस स्टिमुलस के बाद इट ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मदर की ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां से हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन। और आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दिस इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, बर्थ हार्मोन इसको हम बोलते हैं। फिर इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल्स, फिर से वो खुद ही का हार्मोन है मदर का और उसी के यूट्रस वाल पे एंडोमेट्रियम पे वो, ठीक है ना, अटैक कर रहा है, एक्ट कर रहा है एंड इट कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है लेबर पेन के दौरान, अब ये और बढ़ जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग था वो स्ट्रॉन्गर हो गया है। फिर क्या हो बेटा, इट स्टिमुलेट्स फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब यहां पर ऑक्सीटोसिन ना बेबी प्रोड्यूस करता है, बेबी आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जब निकलेगा तो इसका लेवल बेटा और बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, तो और क्या होगा, इट रिजल्ट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर दोनों का मिक्सअप हो जाता है, हार्मोन का भी और कॉन्ट्रैक्शन का भी, उधर से हार्मोन बढ़ता है इधर से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, इधर से हार्मोन बढ़ेगा इधर से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो क्या होगा, इट मे लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ फुली मैच्योर बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल, दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, बर्थ के बाद, बर्थ के
तुरंत बाद लगभग 24 आवर्स के अंदर बेटा मदर जो मिल्क होता है मदर मिल्क तो वो जाएगा सिक्रेशन ऑफ मदर मिल्क, सिक्रेशन ऑफ मदर मिल्क। और जो पहला मिल्क होता है बेटा उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रॉम और बोलते हैं प्रोमिल्क, प्रोमिल्क। तो इसके भी सिक्रेशन में हेल्प करेगा यहां पर कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि बर्थ हार्मोन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को, और आपने ये भी सुना होगा कि इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ मिल्क। तो हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर कि ये सिक्रेट कर रहा है मिल्क को या बर्थ हार्मोन है। तो बेटा जो मैंने आपको पूरा ये मैकेनिज्म समझाया है इसके अंदर बहुत रोल है ऑक्सीटोसिन का, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बर्थ हार्मोन। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैमेरी ग्लैंड होती है बेटा वो डिफरेंशिएट हो जाती है उसके अंदर सेल्स जो होती है और उसके अंदर मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मिल्क की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बेटा उसके लिए काम आता है प्रोलैक्टिन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, और ऑक्सीटोसिन किसके लिए, रिलीज के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहला मिल्क जो होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और कोलेस्ट्रॉल में एक एंटीबॉडी होती है IgA जो बेबी को बचाती है बहुत सारे इंफेक्शन से लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन। ठीक है बेटा, इसमें लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट आयरन एंड विटामिन सी, तो ये बहुत कम अमाउंट में इसके अंदर होते बेटा, बहुत कम होते इसके अंदर ये आयरन और विटामिन सी, लगभग बाकी सभी तरह के इसके अंदर प्रोटीन्स है ना, कैसीन प्रोटीन होता है इसके अंदर, शुगर होती है लैक्टोज शुगर बेटा, लैक्टोज शुगर होती है इसके अंदर और कैसीन प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। तो बेबी के लिए कंप्लीट फूड है ओके, और लगभग 3-4 महीने तक तो बेटा ये स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड होता है बाय डॉक्टर्स। ठीक है, कुछ और देना ही नहीं चाहिए 3 महीने तक। तो ये है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके,